आ जाए फिर हम देखते रहे भी खुद ही छोड़े तो ऊपर से ही ना निकले। तो ये बहन है इसमें इतनी इनमें परवाह है, इसका भाव भी दिखा दो। पट्ठी है ना वो मजा आएगा इंशा। देखिए यही शौक है ना जी मेरे, मतलब ये आपस में प्यार मोहब्बत से हम शौक कर रहे हैं जी जी, कबूतर देख रहे हैं जी, मतलब ये दोस्त ये कबूतर एक दोस्तियां मजबूत करने का एक जरिया है ना इंसान के पास जी जी। तो इंसान को ना कहे इसको मतलब ये है कि इससे नफरतें बगैरनी चाहिए, इसको प्यार और मोहब्बत और दोस्तियां बनाने का जरिया बनाना चाहिए जी जी। जैसे हम बात कर रहे हैं आज नुमान भाई हैं, देखे मतलब ये है कि नुमान भाई के दादा उस्ताद से मेरा इतना रिलेशन था कि मतलब ये है कि मेरी उनकी हाफिज नईम साहब थी जी जी, कि मतलब ये है कि वो एक घर वाली बात थी जी जी। कबूतरबाजी में भी दाना पानी हो कबूतर हो ना उनकी कुछ चीज मुझसे छुपी हुई थी ना मेरी उनसे जी जी। तो ये शुक्र अल्लाह का आज हमारा प्यार लड़ी से लड़ी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बेशक। और नुमान भी माशाल्लाह इतने नसाज और इतने अच्छे इंसान है कि वो जब भी फैसलाबाद में इर्द गिर्द कहीं भी हैं तो आपसे मिले बगैर माशाल्लाह नहीं जाते जी। अल्लाह नाम बात है मेरे बेस्ट फ्रेंड है। क्या बात है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मुझे दिल से बड़े ही अच्छे लगे और मेरे से प्यार भी बड़ा करते हैं और शायद इनको भी ना अंदाजा हो मैं भी इनसे कितना प्यार करता हूं। बेशक 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 ये जुड़ा लगा है। नुमान भाई माशाल्लाह मियां साहब आपके बारे में इजहारे ख्याल कर रहे थे माशाल्लाह जी, पट्टी जड़ी उड़ी उनकी मां का हमारा प्यार इसी तरह कायम रहे अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। तो जब भी आप आते हैं कि फैसलाबाद साइड पे ये तो फिर हो नहीं सकता ना, जो मैं मियां साहब के नाम ही किसे बिल्कुल मैं चले देखो नारा है मादी है या दूसरे जने दोने जने जी जी इतने छड़ने और कि मियां साहब के बारे में कोई मतलब आजकल के जो मामला नहीं माशाल्लाह ग्रेट इंसान है वो जो लोग बातें करते हैं उन पे वो ध्यान नहीं देते वो ये वो कबूतर है ना जिन पे हमने डिस्कस किया था यहाँ पे याद है अब आपको याद आ गया। अच्छा अब इनको मैंने इस तरीके से सेट करना है ये मादी के साथ लगाया छोड़ दें फिर इसको पकड़ने के लिए या पकड़ ही रखें टिशू भी लाओ सही दर्शन राहुल को वेट करें। हसन भाई आजकल एक आपके हवाले से एक वीडियो पड़ी ग्रुप में शेयर हो रही है जी उस हवाले से कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? वीडियो आजकल तो बहुत सारी एक नहीं बहुत सारी वीडियो फिलहाल तो एक ही चल रही है कौन सी आपको तो बता देते वो मोइन साहब मोइन नवाज साहब वाली नहीं नहीं उस्ताद हमारे लिए काबिल एहतराम है बेशक कोई शक नहीं। मैं उनकी ऐसी इज्जत करता हूँ जैसे अपने उस्ताद उस्ताद अमीर मुख्तियार खान साहब की करता हूँ बेशक जितने भी सीनियर उस्ताद हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। अल्लाह पाक उस्ताद मोइन नवाज साहब को लंबी जिंदगी दे जी जी। उनको हमेशा सलामत रखे वो कबूतरबाजी के जो है ना हम ऐसे उस्तादों को देख कर कबूतरबाजी में आए जी जी हमारे लिए काबिल एहतराम है अल्लाह पाक उनको खुश रखे बड़ी इज्जत है उनके लिए हमारे दिल में तो दुआई दे सकते हैं तो उनकी पार्टी के साथ शौक भी होता है बाकी मीनवास साहब के साथ मेरी मुलाकातें भी हैं उनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा है तो अल्लाह पाक उनको खुश रखे आबाद रखे वो जो है ना कबूतरबाजी के लिए जो है ना जैसे कबूतरबाजी को जमीन से उठा के आसमान पर ले जाने वाले उस्ताद मीनवास साहब है क्या माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है अल्लाह पाक उनको खुश रखे आबाद रखे। बड़ों के साथ ही छोटों की बारे होती है वो बड़े हैं तो ये
तो सर्टिफिकेट तो ही ना मांगने चाहिए मादरी की औलाद के लिए। तो हमारे लिए काबरे काम है, खुश रहें जनाब। जी जी उस्ताद हाफिज जवेद साहब भी आपको सलाम दे रहे हैं। मियां साहब जी वस्सलाम। हाफिज साहब छोटे डॉन चेतर चैंपियन उस्ताद इकबाल कमोका साहब भी सलाम दे रहे हैं। काफी सारे दोस्त सलाम दे रहे हैं मैंने आपको। बड़ी अच्छी थी हमारे इकबाल कमोका साहब भी शौक में न्यू एंट्री है, बड़े अच्छे शौकीन है। और अभी माशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे कि मैंने पूरे पंजाब में इंशाल्लाह चेतर में तैयारी कर रहा हूं, पंजाब में एंट्रियां दूंगा। नहीं नहीं, हमारी दुआएं इनके साथ हैं, अल्लाह पाक इनका शौक पूरा कराए। क्या बात, असल में उनकी आप छत इंशाल्लाह एडवांस ही लिख लें टाइगर पिपला में। किनकी जी? इकबाल का मौका साहब बड़े जोशो खरोश से तैयारी कर रहे हैं। हमारे भाई हैं जी और बड़े अच्छे अपने भाई हैं। फैसलाबाद से खिलाड़ी आ रहे हैं पंजाब में, तो शायद बात है जो है ना इंशाल्लाह लिख लेंगे जनाब। और सबसे बड़ी बात ये है असल भाई, वो मेहनत जैसे आप करते हैं ना, वो भी अकेला बंदा है, बेटे भी छोटे हैं लेकिन बंदा भी कोई नहीं, वो खुद बड़ी मेहनत करता है और बड़े अच्छे जोड़े लगाए हैं। उनकी मेहनत में काम बरकत डाले, उनको कामयाब करे। जब आप साख में चैंपियन बने तब आपकी छत पे देख के आए थे, कहते यार मेरा शौक है, मैंने भी इंशाल्लाह इस तरह ही कबूतर बिठाने हैं। अल्लाह अली भाई मेरा वादा है, उनके इरादों में कामयाब करे, हमारी नेक ख्वाहिशात और दिली दुआ उनके साथ। हां भाई यार, तो ये उस्ताद इकबाल कमोका साहब आपकी एंट्री करवा दीजिए वहां से जेठ में। नहीं नहीं, बच्चों के साथ में, बच्चों से स्टार्ट ही लेंगे ना चलो जी चित्र में। हाफिज साहब मिठू भाई आए नहीं, हसन भाई को मैं आपका सलाम दे देता हूँ और नुमान भाई को भी दे दो। भाई हमारे फैसलाबाद के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं उस्ताद हाफिज जवेद साहब, वो सलाम दे रहे हैं आपको। जी कूलर नंबर दो का शौक कर रहे हैं। नहीं नहीं ओके हो गया लगा लगाए। कूत नहीं लगी अगर किसी दोस्त ने कबूतर नवे न्यू कमर्स के लिए, ये कबूतर इतना परिंदा अच्छा है, इसकी थोड़ी सी तिरछी करनी पड़ेगी बिल्कुल इसकी। इसकी आंख में ही सारी कबूतरबाजी है और कबूतर परवरी का एक बहुत बड़ा नाम है इस मादी में। अगर कोई दोस्त कॉपी कर सके, मैं हनुमान भी वैसे ही रहने दीजिएगा जरा 5-6 सेकंड। अच्छा हनुमान भाई आप इसको मादी में क्या देख रहे हैं? आपके नज़र में क्या मतलब ब्रीडिंग के लिए, उड़ाने के लिए? ब्रीडर ही निकालेगी जो भी निकालेगी। अच्छा ये देखिए हसन भाई
आप कुंदे के बारे में भी कोई रहनुमाई करें थोड़ी सी। ये खुली किताब है ये देखें कि बगल देखे माशाल्लाह बगल के दस पर कहाँ पूरा कुंदा बाहर वाले दस पर ये देखे वो दूसरी इधर जा रहा दूसरी साइड पे आए हाय हमें भी बता दो अली क्या मतलब कबूतर बाजी बगल के कहाँ दस पर तो काफी माशाल्लाह चौड़े पर हैं वो ये बता रहे हो बगल के दस पर वहाँ दस तो दस आगे वाले लोगों को जी जी वो नवाज भाई से भी कह रहे हो थोड़ी सी डाले आजकल तो भाई मीडिया वाले हैं हमसे ज्यादा असल वो मिलते भी बहुत जी जी तो उनकी भी कोशिश होती है कि यार जो पॉइंट किससे सीखे दोस्तों को बताए बिल्कुल बिल्कुल और आपकी छत पे तो इत्तेफाक हुआ आज पूरा फैसलाबाद ही हमारे साथ मियां साहब जुड़ गया माशाल्लाह सारी पूरी यूनियन हमारे साथ इस टाइम लाइव है देखिए नहीं बड़े कबूतर होते हैं जी जी दुनिया में बड़े कबूतर हैं जी जी जहाँ पे ये कबूतर बैठते हैं ना वहाँ पे अभी तक मैंने कबूतर बैठते नहीं देखे जहाँ पे ये कबूतर बैठे जो से खिलाफत में ना आया करें नहीं जो बात है ना मैंने 15-20 साल में ना देखी है यही बात मेरे पास 20 सालों से ये कबूतर है खिलाफत में ना आया करें जहाँ पे 50 टेम्परेचर पड़ा हो तो जहाँ पे ये कबूतर बैठते हैं वहाँ पे कोई कबूतर नहीं बैठता। नुमान भाई आपने टेम्परेचर वाली बात की है मैंने काफी मियाँ साहब का इंटरव्यू भी सुने की भी है मियाँ साहब की हर इंटरव्यू में ये बात थी जहाँ टेम्परेचर पड़ेगा 47 मेरे कबूतरों का रिजल्ट वही आएगा और इस दफा फैसलाबाद में बड़ा हाई टेम्परेचर गया और मियाँ साहब की कोई फड़क में इसके मियाँ साहब के पास भी है मियाँ नजीर साहब वाले कबूतर है ठीक है अजीम वाले कबूतर है जी मैं कहता हूँ ये वाले कबूतर जी ये जिस जिसके पास भी है ना जहाँ पे गर्मी पड़ेगी टेम्परेचर होगा इससे इसके साथ ही बैठेंगे इस ऊपर कबूतर नहीं बैठ सकते जी जी बिल्कुल जी मैं वही आपको बात कर रहा था और ये कबूतर फिर घुमा फिरा के कहाँ खत्म होते हैं वो फिर लंबी बहस है। अच्छा 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 क्या बात है वो टेम्परेचर के हवाले से बात हो रही थी फैसलाबाद में माशाल्लाह इस दफा भी जेठ में बड़ा हाई रिकॉर्ड लगा है मियां साहब की हैट्रिक 3 सेंचुरियां लगी हैं आज तक नहीं लगी किसी नहीं लगी बिल्कुल कोई शक नहीं बड़े बड़े उस्ताद हैं फैसलाबाद की कबूतरबाजी शुरू हुई है जी जी पहली दफा हैट्रिक हां जी पहली दफा ही 3 हैट्रिक इनके रिकॉर्ड है फैसलाबाद का और उसके बाद माशाल्लाह अगर तूफान ना लगता तो मियां साहब की जब 1100 घंटे बने थे मुझे पूरी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह बात होती भी रही है मैं कह इंशाल्लाह तला इस दफा 7-8 सेंचुरियां रेगुलर तो बकी हैं जी कोई शक नहीं कोई शक तो नहीं बस अल्लाह की तरफ से ही है तरफ से ही बिल्कुल कोई आ गया और उसको देख ले आगे मियां साहब ने माशाल्लाह पूरी बाजियां खेली कोई कबूतर नहीं कम हुआ कोई बाजी किसी वैसे ही कोई कबूतर नहीं गया अदरवाइज तूफान में जो गए वो ही गए उनकी तबीयत वैसी नहीं थी ऐसे ही वो कबूतर संभाल सकते हैं वो मुझे बात होती रहती थी कि वो कितनी तकलीफ में थे ना जी बिल्कुल कबूतर भी उनके जो बंदे थे वो भी एक बीमार था हॉस्पिटल में था अकेले एक हाथ में कबूतर खुद ही संभालते थे और 3 दिन उन्होंने लगातार सेंचुरी बना के साबित कर दिया कि उनका कोई सानी नहीं और कोई शक नहीं इस चीज में कि मतलब फैसलाबाद में उनका कोई सानी नहीं है फैसलाबाद रुस्तम में पाकिस्तान ये बात कह रहे हैं बिल्कुल ये में फैसलाबाद देखिए कि टाइटल लेना कोई छोटी बात नहीं है और मुसलसल लगातार चैंपियन रहना ये जी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात क्या बात अच्छा ये सब थोड़ा सा इधर हो जाए हुस्ने जहाँ ब्रीड है ना जी जी तो आज नुमान भाई आए हैं तो नुमान भाई के जैसे चुम्मी वाले हैं मेरे भी चुम्मी वाले हैं और मजे की बात है कि मैं ले ही गया हूं चुरा के नहीं जी सारे कबूतर ही नुमान भाई के ये जी उसने वापस कीजिएगा जरा ये उसने जहां मेरे पास दो है माशाल्लाह दोबारा जरा ये जी उसने जहां मियां साहब की बहुत ही फेवरेट ब्रीड हसन भाई लो माशाल्लाह किन्ना है कराने को घर जो कभी छोड़ देंगे पूरा क्या पूरा जहां है इनमें क्या बात क्या बात पहले दिन भी निकलेगा खुदे जो बात अब कुंदे का शौक रहेगा नुमान भाई नुमान ये वाला पर का ये मादी मोर खा के बाजी में 8-8 बजे बैठी हुई है ओए हाय 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 ये जी ये मादी ये सब बता रहे हैं कि मोर खा के
8:30 तक मादी परवाजें देती रही है। एक दो तीन चार दोबारा जरा नुमान भाई, नुमान भाई ना बातें किया करें फिर मतलब दो दोबारा नहीं, 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 मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक दहिया किया जी, ये बातें करनी छोड़ दें, बिल्कुल ठीक। देखिए जब हमने अपने अच्छे लोग आपकी इज्जत के भाईवान नहीं बनते, जो गलत कमेंट करते हैं उनको वहाँ पे वो जवाब नहीं देते, फिर उसका क्या फायदा। बिल्कुल सही। देखिए आपने अगर कोई पॉइंट पहले चार परों का बताया या फिर चार परों का बताया तो वो अपनी जगह पे थी, वो अपने आप बंदा याद करके तो नहीं रखता कि ये, बिल्कुल, तो फिर छोड़ दें क्या फायदा। बिल्कुल सही है, छोड़ दें ना बिदाया कर। मन भी दोबारा कीजिएगा, जब मजा नहीं लगा आपने छोड़ दी, दोबारा करें। पहले ये क्या, इसकी थोड़ा सा बताएं मान भाई। ये असन भाई बता सकते हैं, इनमें दो तीन पर नजर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो इनके डाले हुए हैं उसने इधर वाला कर, इधर वाला पर खोलने है इसने, इसने जहाँ भी तीसरे पर खोलने, आंखा तो हो गया बस। क्या बात है जी, माशाल्लाह। लेकिन ना नीले च भी हाथ से फाड़ लेंगे पट्टी बन गई। भाई कई दोस्तों के कमेंट नहीं शो हो रहे तो उसके लिए माजरत, कोई बातचीत रह जाए तो माजरत, कई दोस्तों का कमेंट शो नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सेटअप, ब्रीडिंग सेटअप के केजीज भी मैंने आप दोस्तों को पहले दिखाए हैं, फिर दिखे माशाल्लाह मियां साहब ने बड़े तरीके से गजाद भी लगाया हुआ है, कबूतर गजाद लगाने के लिए मतलब हर चीज का एक रोट ख्याल रखा है। तो दोस्त ये किसकी चीज़ करेंगे तो कभी इंशाल्लाह कबूतरों में कभी चीज़ कोई किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होगी, ना कभी बीमार होंगे, ना कभी कोई वायरस आएगा, जिस तरह माशाल्लाह ये सब करते हैं। जहां ब्रीड ये सब की माशाल्लाह वो इसकी है ना, ये देखिए
24 नंबर ये मैं आपको कह रहा था, इसपे कड़ियाँ लिखे हैं, मैं आपको बता सकूंगा कि ये भी डबल, इसको भी डबल कर, हाँ उड़ी हुई है ना, उड़ी हुई है ना, जो उड़ा के चेक करके जोड़े आते हैं ना, तो पहले उड़ा के चेक कर आगे या सही है कि नहीं, नहीं ये तस्वीर दिखा रहा है वाले, ये फलां को अब मतलब ये काम शुरू कर दिए जी, एक बात ना मैं भी मतलब सारे मुझसे सवाल कर रहे हैं, चौधरी साहब ने मोइन साहब इधर आना पड़ेगा आपको, यहाँ लाइट ही ठीक करिए, चौधरी मोइन साहब ने मतलब ये है कि नाम लेके कुछ बातें की हैं अच्छा लेकिन मेरा ना चौधरी मोइन साहब को सिर्फ एक पैगाम है कि आप मतलब ये है कि पाकिस्तान के उन नामवर उस्तादों में से एक उस्ताद है जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती है, और आप मतलब ये है कि अल्फाज का चुनाव अपना अच्छा किया करें, आप अच्छे खिलाड़ी हैं, आपने इस शौक में बहुत जिद्दत पैदा की है, इसमें कोई दो मोल नहीं है, आप ये जो बहादुरी की है और मतलब ये है कि वो सर्टिफिकेट बांध मांट रहे हैं तो आपकी मेहरबानी है, ये काम आप ना करें, तो अब किसी के अगेंस्ट आप देखें कि हसन लाली हैं, उन्होंने एक बात की, वो अमीर मुख्तियार खान साहब को भी उन्होंने कहा कि डरपोक खिलाड़ी है अमीर मुख्तियार खान, अच्छा तो उसके अगेंस्ट उनके शागिर्द हैं वो बोल रहे हैं कि उस्ताद जी आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारे मतलब इतनी इज्जत करते हैं, तो ये एक अच्छाई की बात है। देखिये हम अपने शहर में शौक कर रहे हैं, हर खिलाड़ी का अच्छे खिलाड़ी का किसी ना किसी तरीके से फैसलाबाद में ग्रुप है, अवेलेबल है, तो मतलब यह है कि मेरी आदत नहीं है कि मैं मतलब यह है कि उन बातों को लेके चलूं, हालांकि कोर्ट करने के लिए मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं कि मतलब यह है कि जिससे फिर मतलब यह है कि मामला तो और ज्यादा बढ़ेंगे जो कि मैं नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन रिजल्ट तो सारों के सामने है, अगर फैसलाबाद के साथ जब भी मतलब यह है कि मुकाबले अगर इतने आसान कबूतर इधर उड़ाने थे तो रिजल्ट तो सारों के सबके सामने है, तो प्लीज मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है हम शौक कर रहे हैं, हम पुराने असूलों से कर रहे हैं या नए असूलों से कर रहे हैं, हम अपने शहर में शौक करके खुश हैं सब, और मतलब ये है कि हर बंदा यही बोलता है, अब फैसलाबाद में देखें 45-44 तो आपका एवरेज टेम्परेचर रहता है, और आप दूसरे शहरों में देखें 41-42 तो 3-4 डिग्री का टेम्परेचर का फर्क है, अगर कोई भी शख्स मैं ये कहता हूँ कि शौक करना चाहता है वो फैसलाबाद में आके आप उनके शागिर्द हैं उनकी छतों पे, मकसद बात करने का ये है कि मेरी यही बात है, और मैं बड़े अदब के साथ मोइन साहब को कहता हूँ देखे मैंने कभी आपके मतलब कोई बात नहीं की ना आपके कभी किसी, तो आप भी प्लीज अगर अच्छे अल्फाज में जिक्र नहीं कर सकते तो सर्टिफिकेट भी ना बांधा करें, आपकी मेहरबानी। ये उस्ताद मियां असर शेखपुरी साहब का उस्ताद चौधरी मोइन नवाज घुमर साहब को बड़ा ही दोस्ताना और बड़े अच्छे तरीके में एक खूबसूरत सा पैगाम, तो दोस्तों शेयर कीजिएगा वीडियो को, ये पैगाम उन तक लाजमी पहुंच जाएगा इंशाल्लाह, तो बाकी ढके छुपे लफ्ज़ों में भी मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, शायद वो भी उन तक पहुँच जाए। नहीं सिगरेट आ गया आपका तो टेडी है जी मन भाई ये शौक कराओ ना सारा कुछ बच्चे हसन भाई आजकल टिकटॉक पे माशाल्लाह बड़ी अच्छी जगह ले गए हैं, छाए हुए हैं, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको ये टीवी स्क्रीन पे नजर आएंगे, सुबह होस्ट होंगे मॉर्निंग शो में ये इनको बुलाया जाएगा। हसन भाई अब तक कितने फॉलोअर्स हो गए आपके?
घोड़ा खा बहा दे फड़ो घोड़ा खा बहा नहीं बहाओ मैं पढ़ा दो बहाओ चलो बहाओ अख दी बहाओ यार थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा आपको देख थोड़ा आप ठीक ठीक है ओके बड़ा सिलारा गया ना सबसे पहले बड़ा सिलारा थोड़ा तिरछा करें यहाँ पे रुके इसको फिर के ठीक नहीं बूढ़ा वाला दूसरा लेगा तो आपने रानी को जुड़े नहीं बचा लगते मादी लेने छोटे आँख से शुरू करें इधर वाले हाथ में निकालेंगे ज़्यादा अच्छी थोड़ा तिरछा करें तिरछा करें इधर हाथ में पकड़ेंगे सबसे इधर यहाँ ये चीज आपको फोकस दे ठीक ओके ओके माशाल्लाह पुत्र भी बहुत प्यारा सी थे जुड़े थे ये मियां अजीम वाले सला रहे हैं उस्ताद मियां अजीम वाले जी सलारा ब्रीड है माशाल्लाह थोड़ा सा नीचे गिरेगा बस यहाँ ठीक है उस्ताद मियां अजीम साहब की माशाल्लाह सलारा ब्रीड उनकी पट्टी है ये शुरू में जोड़ों में डाल दिया था बचपन में ही था और पहली मादी के साथ लगाया अच्छा और वो बच्चा इस साल बाद ही हुआ क्या माशाल्लाह जी इनके भी परों की शेप आगे से वैसे जैसे पहले देख कलर देख छोड़े
सही सही चल छोड़ दो बस ठीक छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो ये जी माशाल्लाह उस्ताद नहीं है अजीम साहब की सलारी ब्रीड है जी सरकार भाई ठीक ठाक अल्लाह पाक का शुक्र आप सुनाए सर खरीद से सर ठीक है आपकी Thank you.